इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की सपोर्ट स्टाफ की सदस्य नवनीता गौतम इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में विराट कोहली की अगुवाई वाली इस टीम की गेंदबाज की नवनीता के साथ फ्लर्ट करने की बात कहते हुए एक फोटो वायरल हुई थी, जिसके बाद से लगातार आरसीबी की ये मसाज थेरेपिस्ट चर्चा में है। आपको बता देते हैं उस मिस्ट्री महिला के बारे में, उनका नाम है नवनीता गौतम। वो आरसीबी की सपोर्ट स्टाफ की इकलौती महिला है, वो टीम की मसाज थेरेपिस्ट हैं और हाल ही में काइल जेमिसन की एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें डगआउट में नवनीता भी बैठी हुई थी। इस फोटो के वायरल होने के बाद से ये बातें सामने आई थी कि काइल जेमिसन उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। इस फोटो के सामने आते ही नवनीता गौतम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी थी, हर कोई उनके बारे में सर्च करने लगा। इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि नवनीता इससे पहले 2017 में भारत के दिग्गज क्रिकेटर रहे युवराज सिंह का भी इलाज कर चुकी हैं। नवनीता ने अपनी ऑफिशियल इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर 24 नवंबर 2017 को एक फोटो शेयर की थी। इस फोटो में उन्होंने लिखा कि भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर्स में से एक युवराज सिंह का ट्रीटमेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा सपना सच हुआ। गौरतलब है कि नवनीता गौतम बतौर मसाज थेरेपिस्ट 2019 में आरसीबी के साथ जुड़ी थी। वह आम तौर पर कनाडा की रहने वाली हैं। उनका जन्म 11 अप्रैल 1992 को वैंकूवर में हुआ था। खास बात यह है कि नवनीता पहली और इकलौती महिला है जो फ्रेंचाइज की सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा है। सभी 8 आईपीएल टीमों में बतौर सपोर्ट स्टाफ नवनीता गौतम अकेली महिला कर्मी है। ये बताता है कि आरसीबी ने एक अच्छी पहल की है और इसी तरह की पहल को और भी फ्रेंचाइज को करने की जरूरत है। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में आरसीबी का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ था। इस मैच के दौरान कैमरामैन ने डगआउट की तरफ जब कैमरा घुमाया तो कीवी खिलाड़ी काइल जेमिसन नवनीता गौतम को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही कैमरे ने जेमिसन को फ्लर्ट करते हुए कैद किया, यह फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फैंस ने नवनीता के बारे में जानने के लिए उत्सुकता बढ़ा दी, क्योंकि नवनीता गौतम भी उनकी तरफ देखकर हंस रही थी, स्माइल पास कर रही थी। तो ये जो वीडियो थी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो वीडियो काफी वायरल हो गई। हालांकि अगर आप पहल की बात करेंगे नवनीता गौतम की, जो मसाज थेरेपिस्ट है आरसीबी के स्टाफ की अगर हम बात करें, तो एक अच्छी पहल है जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज इससे वुमेन एम्पावरमेंट को एक आप कह सकते हैं एक अपलिफ्टमेंट मिलती है, जिसमें बाकी वुमेन्स भी जो हैं वो कोशिश करती हैं कि जो मेंस का गेम है, जो क्रिकेट में मेंस टीम जो खेलती है उसके अंदर भी वो एंटर करें, उसके अंदर भी प्रोफेशन जो है अपने प्रोफेशन को बेसिकली परसू करें। बिकॉज इससे पहले नवनीता गौतम जो है वो कैनेडा की भी जो लीग है उसमें भी काम कर चुकी हैं, भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम जो है उनके साथ भी काम कर चुकी हैं। सो आई थिंक एक अच्छी पहल आरसीबी की, और मुझे लगता है अगेन एंड कि बाकी फ्रेंचाइजेस को भी इस पहल को आप कह सकते हैं सर अंजाम देना चाहिए, बिकॉज इससे वुमेन एम्पावरमेंट को एक अपलिफ्टमेंट मिलती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।